जयपुर में राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उन्हें राष्ट्रीय चरित्र सीखने की जरूरत है, क्योंकि वह विदेश में जाकर भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। राठौड़ ने कहा कि किसी भी सच्चे राष्ट्रभक्त नागरिक को ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी को अपनी दादी से सीख लेनी चाहिए, जो भारत की प्रतिष्ठा के प्रति सख्त रुख रखती थी। मदन राठौड़ ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की भाषा खालिस्तानी समर्थकों से मिलती है, जो देश को कमजोर करने और सीमाओं पर विवाद पैदा करने का षड्यंत्र है। उन्होंने डोकलाम संघर्ष के दौरान राहुल गांधी के चीन में सैन्य अधिकारियों से मुलाकात की और भी इशारा किया है। ये राहुल गांधी जी, मैं सोचता हूँ कि उनको राष्ट्रीय चरित्र सीखने की ज़रूरत है। वो विदेश में जाकर के भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का जो षड्यंत्र कर रहे हैं, ये किसी भी कीमत पर राष्ट्रभक्त नागरिक ऐसा कृत्य कर नहीं सकता। उनको अपने दादी जी से सीखना चाहिए कि जब उनकी दादी जी विदेश में गई थी, उनका जीप कांड घोटाले में उनका नाम आया था और उनको गिरफ्तार भी किया गया था। जब वहाँ विदेश में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बोले नहीं, आप मेरे से भारत के बारे में कोई सवाल या भारत की प्रतिष्ठा के खिलाफ में कोई सवाल मेरे से नहीं करें, ना मैं उसका कोई जवाब दूंगी। तो अपनी दादी से सीख लेते वो, अभी वहाँ विदेश में जाकर के और भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का जो षड्यंत्र कर रहे हैं, मैं सोचता हूँ कि बहुत गलत है, निंदनीय है। उनको राष्ट्रभक्ति सीखने की जरूरत है। वही प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत के जीएसटी काउंसिल बैठक में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के नहीं जाने पर सवाल उठाने के मुद्दे पर कहा कि गहलोत को अपना घर संभालना चाहिए, क्योंकि भाजपा में सब कुछ सामान्य और अच्छा चल रहा है। मैं एक बात आपसे कहूँ, अशोक गहलोत जी जब राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, तब ये ERCP के लिए कई बार हमारे केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आप अपने सेक्रेटरी को तो भेज दीजिए, आपका मंत्री नहीं आए, सेक्रेटरी तो आ जाए। न वो अपने मंत्री को भेज पाए, न वो सेक्रेटरी जा पाया। इस कारण से ERCP का काम 5 साल तक लटका रहा। वो अपने गिरेबान में झांक करके देखे कि क्या स्थिति है, कि दूसरे पे आरोप नहीं। नहीं, मैं बात करूंगा क्या स्थिति थी, किसको बुलाया गया था, किसको नहीं बुलाया गया था। जहाँ सेक्रेटरी को जाना होता है वहाँ सेक्रेटरी जाता है, जहाँ मिनिस्टर को जाना होता है वहाँ मिनिस्टर जाता है। मैं इसका जवाब नहीं दे सकूंगा कि वहाँ पर किसको बुलाया गया था। सब कुछ सामान्य है, बहुत अच्छा चल रहा है। वो अपना घर संभाले, हम अपना घर संभाल रहे हैं, हमारे यहाँ बिल्कुल ठीक चल रहा है सब कुछ। वही प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने जिलों की संख्या कम होने के सवाल पर कहा, मिच्छामी दुकड़म, किसी से कुछ दे दिया जाए तो उसे वापस लिया जाए तो दर्द होता है। देखिए, एक बात मैं बताऊं आपको, ये मैंने भी आप सबके सामने कह दिया था कि मिच्छामी दुकड़म, समझ रहे हो ना, मिच्छामी दुकड़म का मतलब। साथ ही संगठन में बदलाव के सवाल पर राठौड़ ने कहा कि राजस्थान में संगठन के बदलाव को लेकर कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है। देखिए, मैं जानता हूँ इस बात को कि किसी को कुछ दे दिया जाए और उससे वापस लिया जाए तो दर्द तो होता ही है। मैं इस विषय पर चर्चा इसलिए नहीं करता कि ये मेरा विषय है भी नहीं। मेरा विषय है संगठन का काम करना, मेरा विषय है अपने परिवार को संभालना। ये जिला बनाना नहीं बनाना ये सरकार का काम है और मेरा उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। देखिए, अभी तो कोई घोषणा हुई नहीं है उपचुनाव की, लेकिन फिर भी जब बैठते हैं तो सभी प्रकार की चर्चा होती है। और बिल्कुल अभी तो सदस्यता अभियान को लेकर के चर्चाएं थी, और इसके अलावा जो भी बैठते हैं तो सभी प्रकार की चर्चाएं तो होती है। कुछ टीम में बदलाव को लेकर ऐसा है, ये एक बात मैं आपको बताऊं, आप कोई बहुत बड़ा बदलाव होने वाला नहीं है। आप कोई वाहन चलाते हैं तो छोटी मोटी उसमें भी कमी आ जाती है, तो रिपेयरिंग का काम करते ही करते हैं, उसमें जोड़ तोड़ होता ही है, घटाने का काम कोई नहीं करने वाला। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, सदस्यता अभियान को लेकर के चर्चा हुई, हम पूरा करेंगे। तो सुधारेंगे ना, उसमें ठीक करेंगे ना, इसीलिए तो सदस्यता अभियान नए सिरे से शुरू हो रहा है। वो होगा प्रशिक्षण शिविर होगा, अभी
हमारे कार्यकर्ता चुनाव में लगे हुए हैं, इसके बाद करेंगे। भाजपा प्रदेश कार्यालय में सदस्यता अभियान को लेकर हुई बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने मीडिया से बातचीत की। बैठक में जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा, सिविल लाइन्स विधायक गोपाल शर्मा, हवामहल विधायक बाल मुकुंद आचार्य, उद्योग और खेल मामलात मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा और भाजपा के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।